जूस वूस पियो होता है बस, और क्या चाहिए मुझे, बस खुशी हो गई घर में, होता है संतान नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है। उस लोग जूस पी रहे बैठे हैं, तो अंकल बोलते हैं आज हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो ये सब मालिक की कृपा है, मालिक मतलब ऊपर मालिक, मकान मालिक की कृपा है। नहीं मतलब वो आशीर्वाद गलत मत समझो, आशीर्वाद देने आते थे यहाँ पर, उनके आशीर्वाद से आज बच्चा हुआ है, बट मुश्किल ये है कि जब भी वो आशीर्वाद देने आते थे मैं घर पे नहीं होता था, होता हमेशा आज उनकी आशीर्वाद की वजह से होता ये हुआ है। तो मैं चाहता हूँ मेरा बेटा डांसर बने, बहुत बड़ा डांसर बने, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हमारे जिगरी दोस्त हमारे बुजुर्ग को फोन करूँ। जी हाँ मेरा दोस्त धर्मेंद्र जी, हमारे साथ फोन लगाया, बोलते हेलो सत श्रीकाल धर्म जी। जी धर्म जी मैं बोल रहा हूँ संदेश जी। धर्म जी क्या है ना, मेरा बेटा पैदा हुआ है, मैं चाहता हूँ वो बड़ा होकर डांसर बने, तो आप जरा आइए आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा डांस उससे सीख के जाइए। मतलब क्या बकवास कर रहे, ऐसे कर नहीं 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 ऐसे नहीं चलेगा, फोन पे गालियां नहीं चलेगी, मारना है तो घर पे आके मारो। एनीवेज फिर मैं ये मुझे इंडिया में आते ही ये सारी चीजें पता चलने लगी, ये बच्चों का कितना है। तो उसी फ्लोर के नीचे एक और अंकल रहते हैं अकबर अंकल, तो नीचे बता रहे थे, बोलते यार बहुत ये है, बोलते है बच्चे हैं, बोलते है 8 बच्चे हैं, बोलते है बहुत प्रॉब्लम होता है, होता है कि सलीम गलती करता है जावेद मार खाता है, जावेद गलती करता है अली मार खाता है, सबको इक्वली मार पड़ेगी। बट बता रहे थे कि उनका जो ओनर वो आरे दूध कॉलोनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में, आरे दूध फैक्ट्री में। तो बोलते हैं कि मैंने अपने बॉस को बोला साहब आपके इतने पगार से मेरा चलता नहीं है, घर नहीं चलता, मेरा पगार बढ़ाओ। बॉस कुछ नहीं बोलता, बोलता अगले दिन फिर से बोला साहब ये पगार बहुत कम है, मेरे 8 बच्चे हैं, मेरे को पैसा दो, मेरे को फैमिली चलाने का है। होते हैं यार बॉस का दूसरा, तीसरे बोलते साहब 8-8 बच्चे किधर से खिलाऊंगा उसको। फाइनल बोलते बहुत अगर चूती है तेरी फैक्ट्री चलाओ, अपनी फैक्ट्री चलाओ। तो मैंने बोला सर बट आपने गलती तो की है, ये एज में इतने 8-8 बच्चे नहीं करने चाहिए आपको। बोलता नहीं बेटा वो मैंने कसम खाई थी। मेरे को क्या बुजुर्ग खाई थी, तो बेटा मैंने अपने ससुर जी को कसम खाई थी। मैं क्या कसम खाई, बोलता है कि तुम्हारी बेटी का पेट कभी खाली नहीं रखूंगा। बट हाँ तो ये कॉमेडी नहीं, ये सच्ची वाकई बात है। अभी कल की बात है, मेरे घर में छोटा सा पिजन है कबूतर, मैं उसको डाले बाहर लेके गया, बिल्डिंग में नीचे एक लड़की बैठी थी, हाय हाय यू एंड आई एम फाइन थैंक यू, यू वाओ हाउ क्यूट, अच्छा है लड़के मिल जाते हैं कबूतर के बाहर। ठीक है मैं आऊँ बाहर, जी जी मेरे से बर्ड को उड़ाना सिखा रहे थे, ऐसे तो बिठा रही आता है, हेलो हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज, मैं मुझे तो आता नहीं, मैं ऐसे स्पीड देख रहा था बर्ड को पकड़ने से टेढ़ा हो गया। बोलता है मैडम 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 कुछ पैसे दे दो मैडम, 2 दिन से खाना नहीं खाया, खाना तो छोड़ो 2 बूंद बियर तक नहीं पिया। वो लड़की बोलती है छी भिखारियों को बियर पीते हो, नहीं नहीं मैडम नहीं बियर पी के भिखारी बनाओ। तो वो लड़की फाइनली बोलती है अच्छा ये लो तो देख रहे थे ये लो, क्या ये 100 रुपया अभी पूरा पैसे देगी, बाकी के दिन क्या करूंगा मैं, ये ले रख वापस। तो मैंने कहा सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मस्त है। बोलते हैं क्या, मैंने कहा सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। नहीं नहीं बता ह्यूमर तो पिछले महीने निकला था, अभी मुझको पथरी है। वो समझा मैं कुछ और बोल रहा हूँ।